हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल संगम कोचिंग परानपुर में। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिससे आप कक्षा 12 की अवकलन और समाकलन की अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये वीडियो जो होगी बिल्कुल बेसिक होगी, बिल्कुल शुरुआत से अच्छे से समझाया जाएगा, कोई भी बच्चा अच्छे से समझ सकता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फार्मूलों को बताएंगे और फार्मूलों के साथ साथ उसका कैसे उपयोग करना है ये भी बताया जाएगा। ये वीडियो खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमारे यहाँ कक्षा 12 में कोचिंग करते हैं, और उन्हीं की ये डिमांड थी कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाए जिससे जिसके आधार पर जो है हम लोग अवकलन और समाकलन अच्छे से हल कर पाए। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, अगर बहुत बड़ी हुई तो हम दो पार्ट या तीन पार्ट में भी बना सकते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, अगर दूसरा पार्ट बनता है तो दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सारे फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इन फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं नोट कर लें। ये अवकलन और समाकलन के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चंस हल कराएंगे और बेसिक जो है आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जान जाएंगे कि कैसे अवकलन करना है और कैसे समाकलन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं पहला फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अवकलन जब भी करते हैं तो डी अपान डी एक्स से उसे निरूपित किया जाता है। तो खैर ज़्यादा वो चीज़ें हम नहीं बताएंगे, आप जानते हैं पहले से, हम बस आपको हल करना सिखाने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला है हमारा डी अपान डी एक्स एक्स के पावर एन। अगर इस रूप का फंक्शन आ जाता है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। डी अपान डी एक्स आगे लगा हुआ है मतलब अवकलन करना है। तो हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि डी अपान डी एक्स एक्स के पावर यदि वन एन होता है तो ये देखो आप एक्स के पावर यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एन वाली जो घात होती है ये आगे चली जाती है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो n वाली घात है वो आगे चली जाती है और इस x के पावर n था ऑलरेडी उस घात में से एक घट जाता है। अब इस पर कैसे एग्जांपल्स आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन होगा आपका, लिखा हुआ है कि x के पावर 9 है, x के पावर 9 का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए। इसी को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि डी अपान डी एक्स एक्स के पावर 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। हल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, हल कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं। तो देखो भाई, अगर y के बराबर ये मान करके दिया है तब तो y मानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर कुछ कोई चीज़ माना नहीं है तो इसको हम किसी चीज़ के बराबर मानेंगे। पहले हमने मान लिया वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर 9, हमने मान लिया, माना स्टेप है y इक्वल टू एक्स के पावर 9। इतना करने के बाद तुरंत लिखते हैं अब जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे, x के सापेक्ष कीजिए अवकलन, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, याद रखना बच्चों एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे ये y है जिसका अवकलन करना हो उसके आगे d लग जाता है। मान लो यहाँ पे y था, यहाँ पे इसका हमको अवकलन करना है तो y के आगे क्या लग जाएगा, d लग जाएगा। अब जिसके सापेक्ष करना है, मान लो हमको x के सापेक्ष करना था, ठीक है ना, तो यहाँ पर y के नीचे हम क्या लिखते हैं, x, और इसके आगे भी d लगाना पड़ता है। बात को समझ लेना, y का अवकलन करना है x के सापेक्ष तो y ऊपर रहेगा x नीचे रहेगा, लेकिन दोनों के आगे d लग जाएगा। याद रखना ये चीज़ बार बार नहीं बताएंगे, जब भी y आएगा डायरेक्टली हम dy बाई dx लिख देंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं y का अवकलन हमारा होता है dy बाई dx, ओके ना, ठीक है। अब इसका भी तो अवकलन करना है, दोनों पक्षों का अवकलन किया जाता है, ठीक है ना। तो जिसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है x के पावर 9 का, ओके ना, x के पावर 9 का हमको करना है अवकलन, तो इसके आगे d तो लगेगा, अपॉन डी एक्स लगेगा। किसी भी चीज़ का अवकलन करना हो तो उसके आगे d अपॉन dx लगा दिया जाता है, देख लो d अपॉन dx इसके आगे भी लगा था y के आगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम लिखेंगे
देखो ये फार्मूला अभी आपने हमने आप और आपने देखा, x के पावर यदि 9 होता है, x के पावर यदि n होता है तो n जो है आगे चला आता है। उसी प्रकार यहाँ पे x के पावर क्या है 9, जो चीज़ होगा वो आगे आएगा, 9 है तो 9 आगे चलाएगा। ये देखो 9 आगे आ गया। फिर वहाँ पे लिखा हुआ था x ही लिखा हुआ था, n लिख करके उसके बाद x लिखा हुआ था, तो हम भी x लिखेंगे यहाँ पे। लिखने के बाद घात में से एक घटाया गया था, n में से 1 क्या किया गया घटाया गया, तो इसकी घात तो n थी ना, सॉरी n 9 थी ना, तो 9 में से हम 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे। अब हमें क्या प्राप्त होगा, 9 एक्स टू द पावर 9 में से 1 जब घटेगा तो हमको मिलेगा 8। तो ये हमारा यहाँ पर अवकलन हो जाता है। काफ़ी छोटा सवाल है लेकिन हम छोटे सवाल से लेकर के ही बड़े सवाल में चलेंगे, तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को हम जानेंगे और उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ों को भी जानेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी फार्मूले पे है, थोड़ा सा इससे लेवल आगे हो जाएगा इसका। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास है, 5x के पावर -3/2 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसीजर इसमें भी यूज करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें मान लिया कि y इज इक्वल टू 5x के पावर -3/2। हाँ, मानने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता दें हम आपको कि ये जो आगे जो संख्या लगी होती है इसको अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन तो हम लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद जो है जो काम हमने बताया था y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना, dy/dx जिसका अवकलन करना है, इसका 5x के पावर -3/2 का हमको अवकलन करना है, ओके ना। अब देखो क्या होगा कि देखो 5 ये कांस्टेंट है, आपको पता है पहले से 5 कांस्टेंट है, इस 5 को हम आगे रख सकते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम आगे उतार लेते हैं, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो उतना। उसके बाद जो है dy/dx फिर से लिखते हैं और उसके बाद जो है x के पावर -3/2। अब वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उस फार्मूले में आपको क्या बताया गया, ये बताया गया कि जिस चीज़ का अवकलन करना है उसके घात जो है आगे चली जाती है, -3/2 यहाँ पर जो है आगे चलाएगा और जो x है वो रहने दो और उसकी घात जो है वो भी रहने दो लेकिन उसमें से एक जो है घटा दो, ओके ना, समझ सकते हो। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, 5 3 15, माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने और बटे में है 2 एक्स के पावर। यदि इसको देखो बटे में आ जाता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -3 और -1 -4 कर देते हैं, भाई यहाँ पे गलत हो जाता है। ये देखो एक बटे में है और एक बिना बटे का है, तो एलसीएम लेके हल करना पड़ता है। पहला सवाल है ऐसा, इसलिए हम आपको एक बार एलसीएम लेके बता देते हैं। ये देखो -3/2 -1 है, इसके बटा में 1 कर लो और इसका एलसीएम ले लो तो 2 एलसीएम होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -3 ऊपर वाला बचा, 1 में 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 आएगा और 2 का 1 में जब गुणा होगा तो 2 ही आएगा। जब इसको हल करोगे तो -5 और बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी घात में क्या होने वाला है, -5 के बटे में 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो आंसर तो यहाँ पे भी हो जाता है लेकिन क्या है ना कि घात को माइनस में नहीं रखा जाता है, तो घात को यहीं पे ये भी बता दें कि यदि घात माइनस है और उसको प्लस करना है तो सिंपल सी एक ट्रिक है आपके पास, जो घात है अगर माइनस में है नीचे है तो ऊपर भेज देते हैं और ऊपर है तो नीचे भेज देते हैं, यहाँ पर तो ऊपर थी ना, अगर इसको प्लस बनाना है तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, हमको नीचे भेजना पड़ेगा। तो x के पावर हम बोल सकते हैं 5/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा ये होगा। आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले फार्मूले पे भी चलते हैं। देखो भाई ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है लेकिन इसका यूज जो है कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं करने में, तो इसको बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस याद ये रखना है कि d/dx x का अवकलन जो होता है
वो वन होता है, अर्थात ऐसे सिंपली बोल लो कि x का अवकलन वन होता है, x के सापेक्ष अगर किया जाए तो, मतलब जिस चीज़ का जिसके सापेक्ष, जिस चीज़ का उसी के सापेक्ष अवकलन करें उसका अवकलन वन हो जाता है। जैसे y का अवकलन y के ही सापेक्ष करेंगे तो वन हो जाएगा, किसी भी चीज़ का अवकलन उसी के सापेक्ष करें तो वन हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, तो लिखने का तरीका तो हमारा बिल्कुल वही होगा, इसको y के बराबर हम मान लेंगे तर से, मानने के बाद लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे कि आप बार बार लिख रहे हो क्वेश्चन में। और y का अवकलन जो होता है वो हमने बताया अभी कि dy by dx होता है, और जिसका अवकलन करते हैं उसके आगे d अपान dx भी लगा देते हैं, तो x का अवकलन कर रहे हैं तो dy by dx तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस x का अवकलन क्या हो जाता है, वन हो जाता है, जैसा कि अभी हमने फार्मूले में बताया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए आपको कि जैसे कि दे दिया जाए 9x का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसमें भी वही तरीका आजमाएंगे आप, लिखेंगे y इज इक्वल टू 9x, तुरंत लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, उसके बाद लिखेंगे y के जगह पे dy by dx, जैसा कि हर बार लिख रहे हो, फिर जिसका अवकलन करना है उसके आगे भी d by dx लगाना पड़ता है, सिंपली दोनों पक्षों में जो है दोनों पक्षों के आगे d by dx आप लगा देते हो। इसके बाद जो है क्या होता है कि इस साइड को हल करना होता है, इस साइड में ध्यान देते हैं कि कोई कांस्टेंट तो नहीं है ना, देखो 9 कांस्टेंट है, हमने पहले भी बताया कि जो संख्या होती है आगे वो कांस्टेंट कही जाती है, तो 9 को हम आगे रख लेंगे, पहले 9 को हमने आगे रख लिया और उसके बाद dy dx को लिख लिया, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, x बचा। तो हमने अभी भी बताया कि d upon dx x रहे, इसका मतलब है कि x का ही अवकलन x के ही सापेक्ष किया जा रहा है, और इसका मान कितना होता है, 1। 9 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 वन जा 9 होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके, मैसेज टाइप करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसका जो है जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बता देते हैं यहीं पे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि अगर एक्स है तो उसका अवकलन वन होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो कि हमने लिस्ट में शायद नहीं लिखा है, सी मतलब कांस्टेंट, इसका अवकलन जो होता है वो जीरो होता है, ये भी फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी कांस्टेंट दे दीजिए, कहा जाए कि 6 एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इसको हम कहें कि 6 का एक्स के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, तो देखो सिंपल सी बात है, याद रखना सबसे पहले तो y की इज इक्वल मान लोगे इसको, ठीक है ना, उसके बाद लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y के आगे dy by dx हो जाएगा, और 6 के आगे dy by dx लगा दोगे। अब ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन होता क्या है, हमने अभी अभी बताया कि किसी भी कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट, यहाँ देख सकते हो फार्मूले, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वह क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो, पे यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ भाई देखो एक चीज़ और, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, देखो अगर 1000 आ जाए तो वो भी कांस्टेंट है, 10000 आ जाए वो भी कांस्टेंट है, या एक्स के अलावा, एक्स के अलावा, देखो यहाँ पे एक्स है ना, एक्स के सापेक्ष किया जा रहा है, एक्स के अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट कही जाती हैं, ठीक है ना, इस बात का याद रखना। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को, जैसे हमने दे दिया, एक एग्जांपल में समझ लो आप, जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया 5x का अवकलन करो, ठीक है, और हमने कह दिया कि 5 का अवकलन करो, ठीक है,
तो बच्चे हमने बता रखा है कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, तो ये तो अकेला कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है ना, इसका जीरो होगा। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हमारे सर बताए हैं कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, यहाँ भी तो कांस्टेंट है ना, तो इसका अवकलन क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और एक्स का अवकलन वन कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एक चीज बता दें हम कि कांस्टेंट अकेला होता है तब अवकलन जीरो होता है, यदि कांस्टेंट अकेला न हो एक्स एक्स वाले पार्ट के साथ हो, जैसे कि यहाँ पे है फाइव के साथ, तब जो है ये रूल अप्लाई करोगे ये वाला, ठीक है ना। मेरा मतलब ये है जैसे फाइव एक्स है तो इसका अवकलन कैसे करोगे, तो फाइव तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना, और इसके आगे डी अपान डी एक्स लगा दोगे, ठीक है ना, तो फाइव इंटू डी अपान डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है वन, तो पाँच में एक का मल्टीप्लाई कर दोगे, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपकी टूटी फूटी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं आप में, वो सही हो जाए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं हम अगले फार्मूले पे और अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, अगले फार्मूले को देखने से पहले हम ऐसा करते हैं ना कि अवकलन के साथ साथ आपको समाकलन भी बताते चलते हैं, क्योंकि अवकलन तो आप पढ़ चुके हैं और समाकलन भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों की जानकारी एक साथ होगी तो अच्छा रहेगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, कभी अवकलन की जगह पर आप समाकलन कर देते हो और समाकलन की जगह पर अवकलन। तो जैसे कि पहला फार्मूला हमने बताया ये, ठीक है ना, तो अगर ये तो अवकलन का फार्मूला है, अगर यहीं पे समाकलन का फार्मूला हो, जैसे कि हम अगले पेज पे बता रहे हैं, तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो साइन दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है ऐसे, इसको समाकलन का चिन्ह बोलते हैं, आप जानते भी होगे, पढ़े हो, ठीक है ना। देखो ये एक्स के पावर एन ही है, उसमें हमने सूत्र में बताया था एक्स के पावर एन का जब अवकलन करते हो तो n आगे चला आता है और घात में से एक घट जाता है, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना। अभी ये देखो है तो वही चीज x के पावर n dx, लेकिन इसका करना क्या है, समाकलन, ठीक है ना। तो इसका रूल होता है वही रहेगा, x के पावर जो है n में से जो 1 घटता था वो n में 1 जुटने लगता है, ओके ना, और इंटू में ये आगे n आता था ना, तो इंटू में ना आकर के बट्टे में आएगा, ठीक है ना, n तो आएगा लेकिन घात में जब एक जुटा तो इसमें भी एक क्या हो जाता है, जुट जाता है, ये प्लस c नाम का एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, प्लस c नाम का हर एक समाकलन में आप कांस्टेंट जोड़ते रहेंगे। जैसे कि इस पर अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि x के पावर 5 का समाकलन ज्ञात कीजिए, मतलब x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, या ऐसे कह दिया जाए कि x के पावर 5 dx इंटीग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समाकलन बोलते हैं, तो x के पावर इंटीग्रेशन x के पावर 5 dx का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे कह दिया जाए, तब क्या होगा, इसी फार्मूले का हम उपयोग कर देंगे, ठीक है ना। कैसे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे x टू दी पावर 5 dx, ठीक है ना, ये x है समझ लीजिएगा। तो जैसे ही हम समाकलन का फार्मूला लगाते हैं वैसे ही ये समाकलन का जो साइन होता है, समाकलन का चिन्ह जो होता है वो डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फार्मूला कैसे था, x के पावर n प्लस 1 हो गया था, मतलब x के पावर जो भी चीज़ रहेगी, 5 है हमारे पास, तो 1 उसमें क्या हो जाती है, जुट जाता है, ठीक है ना, बट्टे में वो जो घात होती है उसी को यहाँ पर भी लिख देते हैं, 5 प्लस 1 घात है, ठीक है ना, और लास्ट में प्लस c हमको जोड़ देना होता है, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। अब देखो आप तो जानते हो ना 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है, नीचे भी 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस c। तो देखो ये होगा हमारा आंसर। अवकलन और समाकलन हम साथ साथ बताते चल रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, अवकलन और समाकलन एक साथ पढ़ते रहें, ठीक है ना। अगला फार्मूला था आपका, उसमें का अगला फार्मूला कुछ ऐसे ही था ना, डी अपान डी एक्स, एक्स का मान जो होता है वो 1 होता है। तो मैं बता दूं कि अवकलन जो होता है समाकलन का उल्टा होता है बिल्कुल, ठीक है ना, या समाकलन को बोल सकते हैं कि अवकलन का उल्टा होता है। देखो एक्स का अवकलन यदि 1 होता है तो 1 का समाकलन क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। मेरा मतलब ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी एक्स लिखते हैं, इसका समाकलन क्या होना चाहिए, एक्स, और होता ही है, ठीक है ना, एक्स, और एक कांस्टेंट अपने से जोड़ा जाता है। तो ये फार्मूला होगा समाकलन के लिए। इस पर सवाल कैसे लगेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन एक ठो दे दिया, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है कि 9 का समाकलन x के सापेक्ष ज्ञात करो, सिर्फ 9 का। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर बताए हैं कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, ठीक है ना, तो इस 9 का समाकलन भी डायरेक्टली जीरो लिख देते हैं। नहीं भाई, देखो अवकलन और समाकलन में बिल्कुल अंतर होता है, बिल्कुल उल्टा होता है।
इसको कैसे हल करोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि 9 कैसे लिखेंगे, पहले 9 का समाकलन करना है तो 9 इंटीग्रेशन में और dx लिखेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन और dx बनाना पड़ता है, अगर समाकलन लिखा है तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब देखो 9 एक कांस्टेंट है, 9 क्या है, कांस्टेंट है, तो 9 को हम आगे उतार सकते हैं, चाहे समाकलन होवे चाहे अवकलन होवे, कांस्टेंट को आगे उतार सकते हैं, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रही, 1 मान सकते हैं, ठीक है ना, ये तो आप पिछली कक्षाओं से ही जानते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 माना जा सकता है। अच्छा, 9 इज कांस्टेंट, उतरता रहेगा लास्ट तक, 1 क्या आ गया, 1 dx। अभी अभी हमने फार्मूला लिखा, देखो यहाँ पे 1 dx का फार्मूला होता है x और प्लस c, ये देखो x और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, c, अर्थात 9x प्लस c, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला फार्मूला है हमारा अवकलन का फार्मूला है, d/dx लगने का मतलब अवकलन हुआ, ठीक है ना। d/dx e^x, यदि ऐसा कोई फंक्शन आता है जिसमें e^x हो तो उसका अवकलन e^x से ही होता है, सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सा फार्मूला है इसका, ठीक है ना। तो देखिए इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है ना, d/dx नहीं लिखना चाहिए, अगर यहाँ पर अवकलन लिखा गया है तो d/dx हमको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे दे दिया d/dx 9 e^x का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो काम तो करोगे y=2 मानने वाला, इसको मान लो यहाँ पे ख़त्म कर लो, गलत कहा जाएगा ऐसे, तो 9 e^x ऐसे मान लोगे। अब तुरंत लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का अवकलन हम बता चुके हैं आपको, dy/dx होता है, 9 ऐसे लिख लो पहले d/dx 9 e^x, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दो चीज़ें हैं तो, अच्छा, = 9 इज कांस्टेंट, 9 को हमने आगे रख लिया, इनटू कर लिया, d/dx को अंदर प्रविष्ट कराया, e^x। अब हम कह सकते हैं 9 इंटू e^x का हमने अभी अभी सूत्र बताया, d/dx e^x का अवकलन जो होता है वो e^x से ही होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं e^x, यानी कि 9 e^x का 9 e^x ही हमारा अवकलन होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कभी कभी निहित फलन आ जाता है, और निहित फलन को ही हमको जानना है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा e^5x का अवकलन x के सापेक्ष करो, तो आप समझ सकते हो निहित के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि e^ यदि कोई चीज़ ऐसे आ जाती है एक्स्ट्रा, x के अलावा और कुछ भी आ जाता है तो वो क्या है, निहित है, तो इसको भी मानेंगे वैसे ही, देखना सिंपल ही तरीका है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। तो आपको अवकलन के नियम को हम बता चुके हैं कि निहित होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के जगह पे dy/dx हम लिखेंगे, d/dx लिखेंगे, e^5x लिखेंगे। अब जो है अवकलन होगा तो बिल्कुल वैसे, जैसे कोई बच्चा सोचता है कि e^5x है, सर जी बताए हैं कि e^x का अवकलन e^x से ही होता है, तो e^5x का अवकलन भी e^5x ही होगा, यही सोचते हैं बच्चे और ये लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं भाई, देखो निहित के लिए हमने बताया है कि इतना तो काम करोगे, लेकिन जिस चीज़ को मान करके चल रहे हो, 5x को हमको मानना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसका फिर से क्या कर देते हो, अवकलन कर देते हो। हमने 5x को माना तो d/dx लिख करके और 5x का फिर से हमने क्या कर दिया, अवकलन, इस तरह से उतार करके तब करोगे d/dx। कुछ बच्चों को पता भी है, ठीक है ना, जो बच्चे नए हैं वो लोग जानेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेंगे क्लास में भी। तो 5 इज कांस्टेंट, ठीक है ना, x का अवकलन आपको अभी भी बताया गया क्या होता है, 1 होता है, अगर सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1 = 5 होता है, 5 को हमने आगे लिख लिया, e^5x इज माई आंसर, इज आवर आंसर, ठीक है ना। अच्छा, इसी पे एक ये समाकलन का क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखो भाई, हमने कहा कि e^x का जो अवकलन होता है e^x के ही बराबर होता है, तो समाकलन भी e^x का e^x ही के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह हमारे पास कम है, इंटीग्रेशन e^x dx का जो है समाकलन होगा e^x प्लस सी ही होगा, ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल अवकलन की तरह होगा यहाँ भी, जैसे आपके पास क्वेश्चन है e^x, यहाँ पर दे दिया जाए कोई कांस्टेंट, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करो,
तो कैसे करोगे, 7 इज कांस्टेंट आगे रख लिया गया, इंटीग्रेशन e के पावर x dx को ऐसे रख लिया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 7 को रोक लो और e के पावर x का समाकलन आपने अभी अभी पढ़ा e के पावर x ही होता है, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, e के पावर x ही होता है और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। देखो भाइयों, बात यह है कि काफ़ी लेट हो चुका है, वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, अब इसके लिए हम दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट या चौथा पार्ट भी बनाना पड़े तो बनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना रहने दो, अगले पार्ट का इंतज़ार करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।